नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे अपने लव मैरिज चैनल यानी नीरू पांडे लव मैरिज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का टॉपिक मेरा, जैसा कि चैनल है नीरू पांडे लव मैरिज, यानी कि लव मैरिज की है कि नहीं की है, आज का टॉपिक मेरा यही है। और आप लोगों से बहुत कुछ बताऊंगी, उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग आ करके वीडियो को क्लिक करके चले जाते हैं, उनको देखना नहीं होता, उनको इम्प्रेशन खराब करना रहता है चैनल का, तो मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप झूठा कमेंट करने की बजाय आप सपोर्ट अगर करना चाहते हैं मेरा, तो बस इतना सपोर्ट कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है वीडियो देखने की, फुल वॉच करने की, तो फिर टच ही मत करिए। थैंक यू। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बहुत लोगों ने पूछा, मैंने लव मैरिज किया है या करवाती हूँ, तो मैं बता दूँ कि मैंने किया है, मैंने कई बार बताया है पिछली वीडियो में, और मैं अभी भी बता रही हूँ मैंने लव मैरिज की है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लव मैरिज में परेशानियाँ आती हैं कि नहीं आती हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर स्टोरी बताने लोगों को तो किसी के पास टाइम ही नहीं होगा सुनने का, क्योंकि लोगों को दिखावा पसंद है, जैसे कि रो करके वीडियो बनाना। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको धन्यवाद। मैं इन कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, जैसे मुझे एडिटिंग नहीं आती है, मैं जो ऑन कैमरा हूँ वही मेरी सच्चाई है, ना मुझे लाइफ में एडिटिंग करने आती है ना ही कैमरे में एडिटिंग करने आती है। सीखने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं आ रहा है, तो भाई हमको जैसे आ रहा, मैं अपनी बातें रखना चाहती हूँ, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसी परेशानियाँ आती हैं। एक दिन में मैं बता नहीं पाऊंगी, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ही बताना पड़ेगा। और घर की बातें बाहर भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अब ये मेरा ससुराल हो चुका है। लेकिन कुछ चीजें इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस आग की भट्टी में कूदते हैं, ये सोच करके कि हमने तो लव मैरिज कर ली, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये सोच के कूदते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो भी जरूरी। हम आपको बता दें, जो हंसता खिलखिलाता चेहरा बहुत ज़्यादा समाज के सामने हंसता है, उसके पीछे का दर्द वही व्यक्ति जान पाता है जो उसकी आंखों में सच्चाई देखना चाहे, क्योंकि उसको ऑन कैमरा रोने नहीं आता है, वो रो करके व्यूज नहीं पाना चाहता है। अगर मैं बताऊं तो पत्ता भी रो दे, इतना दर्द होता है। पहला दर्द माँ बाप से, अपने भाइयों से, अपने पूरे प्यारे परिवार से बिछड़ने का दर्द, ये सबको पता होता है। लेकिन आगे हमको ये लगता है कि हम जाएंगे तो बस गद्दा चद्दर लगा मिलेगा, हम उसी पे बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। खास करके अगर पति लायक हो गया, यानी जिससे हमने शादी के पहले प्यार किया था, अगर वो लायक है बाद में तो जिंदगी ठीक है, फिर भी अगर वही नालायक हो गया तो फिर तो जिंदगी जहन्नम होती है। दूसरी बात, हमारे हस्बैंड और हमारे बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मेरे पति ने, यानी मेरे प्रेमी ने, शादी के पहले कभी भी मुझसे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से चांद का तारा तोड़ के लाऊंगा। उन्होंने कभी मुझे चांद तारे का सपना नहीं दिखाया था। इन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा था कि हाँ मैं, मतलब मुझे पाने के लिए उन्होंने कोई भी झूठ नहीं बोला है। मेरे हस्बैंड यानी मेरे प्रेमी ने कभी भी कोई झूठ नहीं बोला था, उन्होंने जो सच्चाई थी वही बताया था, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई कि मैं तुमको जब तक जिंदा रहूंगा तब तक खाने और पहनने की कमी नहीं होने दूंगा अपने जीते जी, लेकिन मैं आसमान से तारे तोड़ के नहीं दे सकता हूँ, इतनी मेरी औकात नहीं है। इन्होंने शादी के पहले ही ये बात कही थी। ये बात, यही हकीकत होती है, यही सच्चाई होती है। और बहुत सारे लोग आसमान से तारा तोड़ के लाते हैं शादी के पहले, तो जान लीजिएगा शादी के बाद वो तारा तो छोड़िए, आपको तरोइयो भी नहीं लाके देंगे टाइम से। मैं बता दे रही हूँ जो बात है हकीकत। और दर्द तो इतना झेलना पड़ता है, इतना झेलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। लव मैरिज में वाकई में हर तरफ से तकलीफ ही मिलती है, लेकिन कौन सी तकलीफ का सामना हमने किया है ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ब्यूज के चक्कर में अपने घर की बातें मैं बाहर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जरूर बताऊंगी। कारण ये है कि आगे से आप लोग भी जो करना चाहते होंगे, वो लोग इस चीज को अपने आप में बिठा के चलेंगे कि हमको भी फेस करना पड़ेगा, सतर्क हो के करेंगे, अगर माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं तो।
इस वीडियो के जो आज का टॉपिक मैंने शुरू किया था दर्द के बारे में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और सिर्फ टॉपिक ही बताऊंगी, क्योंकि आज से मैंने ये शुरू किया है अपनी लाइफ के बारे में बताना। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों को पूछना होगा, जानना होगा, तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछेंगे, ज़रूर बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोगों ने बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है, कितने झूठों को बढ़ाया, कितने गंदों को बढ़ाया, कितने अच्छों को बढ़ाया, कितने सच्चों को बढ़ाया, उनमें से एक मुझे भी आप लोग अगर चाहें तो शेयर करके बढ़ा सकते हैं। अपने मुँह से क्या कहें, सच्चाई आप लोग जानते ही हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो लंबी हो रही है, इस टॉपिक पे मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा और कुछ दिन तक खाली इसी टॉपिक पे ही मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।